हाय एवरीवन, अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने वन पीस फिल्म रेड थिएटर में देखा एंड अब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ। दिस इज़ अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ वन पीस फिल्म रेड। जो लोग भी प्लान कर रहे हैं इस मूवी को देखने का थिएटर में जाके, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। इंट्रो देखो, फिर बताते हैं कि मुझे मूवी कैसा लगा। लेट्स बिगिन। आई एम गेसिंग कि तुमको इस मूवी का सिनोप्सिस तो पता ही है, नहीं पता है तो ट्रेलर देख लो, मैं नहीं बताने वाला यहाँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लॉट से। अब हाँ, जो लोग भी कंफ्यूज थे कि ये मूवी कैनन है कि नॉन कैनन, ये मूवी नॉन कैनन है इसलिए इसका प्लॉट मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन कुछ चीज़ें इस मूवी में ऐसा भी दिखा है जो कि शायद से कैनन हो सकता है। प्लॉट इस मूवी का बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बट अगर तुम ये जानना चाहते हो कि प्लॉट कैसा है, देन आई से कि प्लॉट वॉज अबव एवरेज। मैं जितना सस्ता प्लॉट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो बेटर ही है। एकदम भी अच्छा नहीं है लेकिन एकदम बेकार भी नहीं है। एंड प्लॉट के लिए तो इस मूवी को देखने जाना भी मत कोई, ठीक है। प्लॉट भाई डिसेंट था। ट्रेलर को देख के तुम बेसिक प्लॉट प्रिडिक्ट कर सकते हो लेकिन ऊता के पावर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ऊता का पावर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मूवी का ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा। अब किस अप्रोच की बात कर रहा है मैं, तुम खुद देख लेना, समझ जाओगे। ऊता एज अ कैरेक्टर मुझे डिसेंट लगी लेकिन मुझे वो बहुत अनोइंग भी लगी। भाई दिमाग ख़राब हो रहा था उसको देखते टाइम, हरकतें ही कर रही थी ऐसे ना, एकदम भाई चांटे मारने का मन करेगा। प्लॉट की बात कर ली है तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट एक्शन। एंड एक्शन सच में बहुत अच्छा था। ऑल्दो बहुत भी एक्शन नहीं दिखा है मूवी में, बट जितना दिखा है अच्छा दिखा है। वानों में जैसे हमने देखा था ना कि कुछ सीन्स में हद लाइट और इफ़ेक्ट्स भर देते हैं ये जो भी एपिसोड्स बनाते हैं, मूवी में सेम तरह के इफ़ेक्ट्स यूज़ हुआ है लेकिन उसको देख के तुम गाली नहीं बकोगे। आँखों को चुबाने वाला लाइट नहीं भरा है मूवी वालों ने एंड आई एम ग्लैड कि नहीं भरा है। एनिमेशन तो भाई इतना ज़बरदस्त, लाइक ट्रेलर में जो एनिमेशन था ना, थिएटर में और बेटर लगता है देख के। आई एम होपिंग कि आगे चल के हमें एनिमे भी इसी एनिमेशन में देखने मिले। अगर मिला तो मैं डेफिनेटली वापस एनिमे देखना चालू करेगा, बट नहीं मिलने वाला भाई, बहुत ज़्यादा बजट होगा और इतना बजट भाई ब्लीच नहीं है वन पीस। गाने, ये मूवी में मैं काफ़ी गाने एक्सपेक्ट कर रहा था एंड काफ़ी गाने सुनने मिला भी। अब इधर पे मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है। गाने अच्छे हैं लेकिन गानों का टाइमिंग स्पेशली फर्स्ट हाफ में भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। इंटरवल से पहले ही करीब 5-6 गाने सुनने मिल जाते हैं। इतना ज़्यादा गानों की वजह से मूवी स्लो लगती है काफ़ी। भाई 5 मिनट हुआ नहीं कि भाई फिर से गाना दिख जाता है, बहुत अनोइंग लग रहा था। पता है ऊता इस रीज़न से भी काफ़ी मुझे अनोइंग लगी, हर 5 मिनट पे गाना चालू कर देती है। फर्स्ट हाफ में बस ओपनिंग सॉन्ग जो था वो मस्त था, जो ट्रेलर में भी सुनने मिला था, बाकी मैं। सेकेंड हाफ में लेकिन सॉन्ग्स की टाइमिंग भी मस्त है एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं है सॉन्ग्स, तो कच कच नहीं लगता। फिर इस मूवी का फर्स्ट हाफ ना काफ़ी बोरिंग है, बोरिंग तो नहीं बट बहुत स्लो फील होता है। एंड सेकेंड हाफ में मेन एक्शन एंड स्टफ होते हुए दिखा है एंड सेकेंड हाफ क्योंकि परफेक्टली पेस्ड फील होता है तो फर्स्ट हाफ के स्लो पेस को इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे इस मूवी का बहुत मस्त लगा, कैरेक्टर्स का एंट्री। इतने प्यारे वे में कैरेक्टर्स की एंट्री दिखाई गई है ना भाई, कि किज़ारू फुजितोरो की एंट्री देख के भाई सीटी मारने का मन करेगा तुम्हारा, मैं बता रहा। लूफी एंड बाकी स्ट्रॉ हैट्स का भी एंट्री काफ़ी सही था। पर्सनली मेरा फेवरेट तो भाई काटाकुरी का एंट्री था भाई, बेस्ट। कैरेक्टर्स की एंट्री थ्रू आउट द मूवी काफ़ी मस्त लगी मुझे। गाने भले ही फर्स्ट हाफ में मुझे बहुत एनोइंग लगा लेकिन मूवी का ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था। बस यार लास्ट में VR बजा देते तो मज़ा आ जाता। शैंक्स, बहुत लोग तो भाई इसके लिए ही देखने जाएंगे मूवी, मुझे पता है। क्या शैंक्स लड़ाई करते हुए और एक्शन में दिखा है? हाँ, अब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है वो एनिमे में जितना दिखा है आज तक उससे तो ज़्यादा ही मिला है। तुम सेटिस्फाइड फील करोगे उसको और उसके क्रू मेंबर्स को एक्शन में देख के, बट बहुत भी एक्सपेक्ट करके मत जाना, ठीक है। अब हाँ, इस मूवी को देखने के बाद ना कुछ थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे कि ब्रो देख ये तो इतना स्ट्रांग है, ये तो इतना वीक है। देखो, ऐसा हो ज़रूर सकता है कि जितना मूवी में शैंक्स अपने को स्ट्रांग दिखा है उतना ही वो कैनन स्टोरी में भी स्ट्रांग है, लेकिन ये चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। कोई तो मूवी में भाई शिकी को गियर थर्ड वाले लूफी ने हरा दिया था बिना हाकी के, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड था शायद, पता नहीं। तो नॉन कैनन मूवी है ये, दिमाग में रख के ही मूवी देखना। क्या इस मूवी को एनिमे ओनली वाले देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं।
मांगा का कोई भी स्पॉइलर नहीं है मूवी में, लेकिन हाँ मांगा वाले एक पर्टिकुलर चीज़ के झलक को देख के डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे, उसके बारे में स्पॉयलर्स वाले वीडियो में बात करेंगे। बट एनमे वालों को कोई स्पॉयलर से डरने की ज़रूरत नहीं है, आधे सेकंड का एक कैमियो या फिर एक झलक सा बस दिखा एक पर्टिकुलर मांगा स्पॉयलर का, एनमे वालों को समझ भी नहीं आएगा आई एम श्योर। बाकी इज़ दिस मूवी एन एक्सीलेंट मूवी? बिल्कुल भी नहीं। ये मूवी भी बाकी के वन पीस के मूवीज़ जैसे ही एक वन टाइम वॉच मूवी है। मूवी अच्छी है बट ऐसा भी नहीं कि एकदम ही मास्टरपीस सी है, हालांकि मेरे लिए तो कुछ भी मास्टरपीस नहीं है। ये एक अच्छी मूवी है बट एकदम एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन ये मूवी तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए इफ़ यू आर अ वन पीस फैन एंड अगर तुम्हारे सिटी में ये मूवी लगी है तो। शैंक्स के हरकतों के लिए मूवी देखने जाओगे तो तुमको मूवी खुश कर देगा, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए वो है थिएटर एक्सपीरियंस। मैं खुद ये मूवी शैंक्स के लिए नहीं बल्कि इसलिए देखा क्योंकि ये थिएटर्स में लगी। शैंक्स तो मेरे को इतना पसंद भी नहीं है, उसको क्या करूँगा देख के मैं अगर ये मूवी थिएटर्स में नहीं लगती तो शायद मैं इस मूवी को कभी नहीं देखता। पता है दिस मूवी सिमिलर टू अवतार। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मूवी अवतार जितनी ही अच्छी है, बट जैसे अवतार को तुम फ़ोन के स्क्रीन या फिर लैपटॉप के स्क्रीन में इतना एंजॉय नहीं कर सकते, वैसे ही इस मूवी को भी तुम छोटी स्क्रीन में एंजॉय नहीं कर पाओगे। बेशक ये मूवी लैपटॉप फ़ोन में भी अच्छी लगेगी, लेकिन थिएटर में इस मूवी को देखोगे तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा तुम्हारा। एंड अगर थिएटर में अच्छी खासी क्राउड है तब तो भाई और मज़ा आएगा। मैं अकेले इस मूवी को देखने गया था एंड मैं कुछ ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, लेकिन डैम 100 से ज़्यादा लोग आ गए थे एंड सब एकदम भाई टिपिकल हेंताई जोक्स को सुन के खीखी करके हंसने वाले लौंडे जो छत्ती में एम एन ओटाकू का टैटू बनवा के प्राउडली फ्लेक्स कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि सब खुद को ओटाकू समझने वाले एनमे के चौदह लोग थे एंड इन लोगों ने जो हल्ला मचाया भाई हॉल में वो एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस मूवी को कभी नहीं भूलूँगा। मैं बता रहा थिएटर एक्सपीरियंस इस मूवी के स्पेशल मोमेंट्स को और ज़्यादा स्पेशल बना देगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बना दिया। मेरे केस में तो भाई गूज़बम्स वाले मोमेंट्स में और ज़्यादा गूज़बम्स आ जा रहा था आजू बाजू के क्राउड वर्क की वजह से। अगर मुझे इस मूवी को रेट करना हो देन आई विल से ये एक 7 out of 10 मूवी है, बट थिएटर एक्सपीरियंस की वजह से ये मूवी जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा इन्जॉय किया मैं इस मूवी को। अगर रायपुर के वन पीस कम्युनिटी का कोई इस वीडियो को देख रहा है जो उस टाइम थिएटर में क्राउड वर्क में इन्वॉल्व था, धन्यवाद तुम्हारा, मज़ा दिला दिया तुम सुबह सुबह। एंड गेम के बाद अब जाके ऐसा माहौल देखने मिला भाई, मज़ा आया। दैट्स इट, बस ये सोच के मत देखने जाओ इस मूवी को कि एनमे मूवी को सपोर्ट करना है, एक फन एक्सपीरियंस के लिए देखने जाओ इसे। एंड या लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।